Assalamualaikum everyone, this is Hamza Ibrahim and you are watching Bigger Beauty Channel. So friends, उम्मीद करता हूँ कि आप तो खैर ऑफिस से होंगे, अपने घर में मौजूद भी होंगे और इस लॉकडाउन में अपने प्यारों के साथ भी गुजार रहे होंगे. सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी बहुत देर से कोई भी वीडियो नहीं बनाई है. सबसे पहले मैं आप लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ. आपको आपकी फैमिली को मेरी तरफ से तहे दिल से रमज़ान मुबारक, जो कि अब बहुत लेट हो चुका है और ये खैरियत से दूसरा अशरा भी ख़त्म हो चुका है और तीसरा अशरा चल रहा है. रमज़ान में रोज़ा रख के बहुत ही मुझे जो है वो अनकस हो गई थी कि मैं वीडियोस बनाने में बहुत कासर रहा हूँ. सो अब ये था कि मैंने सोचा कि नहीं, जो मेरी YouTube फैमिली है वो बहुत देर से वेट कर रही है मेरी जितनी भी रेमेडीज़ हैं उन सब के लिए. तो मैंने सोचा कि नहीं यार, आज सारी सुस्ती ख़त्म करें और आज ही आज की मैं वीडियो बनानी है, जो मर्ज़ी हो जाए. सो फिर शुरू करते हैं कि आज की वीडियो. लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है समर फेयरनेस. जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी हो चुकी है और स्किन पर ऑयल आना भी शुरू हो जाता है, जैसे कि मेरी स्किन पर आ रहा है और ये सारा लाइट का कमाल है. आप लोग फिर कहते हैं कि मैंने स्किन पर अप्लाई भी किया हुआ है, मैं बहुत कुछ लगाया हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आज मैं आपको फेस भी वॉश करके दिखाऊंगा, मेरी स्किन अच्छी है, तो ये आप लोग मान लें. और सेकंड थिंग इज़ दिस के खैर सारी बातें फजूल एक तरफ. अब बात करते हैं कि कैसे हम गर्मियों में अपनी स्किन को किस तरह से हाइड्रेट रख सकते हैं, मॉइस्चराइज रख सकते हैं और जो स्वेटिंग होती है उसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक रेसिपी, सॉरी रेमेडी. सो उसी से हम लोग घर बैठे ही अपनी स्किन को किस तरह से अच्छे से मॉइस्चराइज रख सकते हैं और एक अच्छा सा ग्लो भी आ जाए. सो फिर शुरू करते हैं आज की रेमेडी जिन लोगों ने. सो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ और अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी. लेकिन वन मिनट, मैं अपनी चीज़ें निकालना था, भूल ही गया. और करना ये है कि आपने लेना है 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी, आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1 स्पून ग्राम फ्लोर यानी बेसन का आटा भी मिक्स किया है और सिर्फ 2 चीज़ों से मैंने मुल्तानी मिट्टी बनाई है. और अब करना ये है कि आपने इसको मिक्स कर लिया. मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह से जिस क्वांटिटी में मैंने लिया है वो 1 टेबल स्पून है थोड़ा सा. और आपने इसके बाद करना ये है कि मेरे पास है ग्लिसरीन प्लस रोज़ वाटर, ये सैतवन कंपनी का है, बहुत अच्छा है, ये मिक्स है. बेसिकली ये स्किन को डिहाइड्रेट नहीं करता, हाइड्रेट भी करता है, ग्लिसरीन की प्रॉपर्टीज़ के साथ है. और अब मैं इसको इसमें मिक्स करूँगा. मैं ऑलमोस्ट इसका स्प्रे भी यूज़ करता हूँ अक्सर सुबह उठने के बाद, पूरा दिन जो है वो स्किन फ्रेश रहती है. अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा. और मिक्स करने के बाद आपने करना यह है कि आपने इसको फेस पर लगाना है. पहले आप कर रहे हैं कि मैं जैसे कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है. और मिक्स करने के बाद होता यह है कि इसकी कंसिस्टेंसी आपने एक पेस्ट की रखनी है. मैंने इसको थोड़ा सा लाइट इसलिए रखा है, मैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लाइट ही रखूँगा. आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का पेस्ट बनेगा. और गर्मियों में क्योंकि ग्राम फ्लोर की बहुत सारी खसूसियात होती हैं, वो स्किन के एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब भी करता है और मुल्तानी मिट्टी के बाद फेस थोड़ा सा ड्राई भी हो जाता है. अब आप देखेंगे कि मैं इसको स्किन पर अप्लाई करके भी दिखाऊंगा. मैंने बहुत सी लाइट सी जो है वो थिन लेयर अपनी स्किन पर इसकी लगाई है और क्योंकि मुझे थिन लेयर बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, इसलिए मैं थिन लेयर ही लगाऊँगा. और इसको लगा रहा हूँ जिस तरह से नोज़ पे भी अप्लाई करना है. नोज़ पर जो है आपके वाइट ब्लैकेट्स भी होते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है. फॉरहेड पे भी ख़ास तौर पे अप्लाई करें. और सर्कुलर मोशन बहुत ज़्यादा आपने रब नहीं करना क्योंकि इसमें थोड़े से इसके जो ग्रैनुलर्स हैं ग्राम फ्लोर के, वो आपकी स्किन को थोड़ा सा हार्श भी हो सकते हैं. तो मैं बिल्कुल स्लोली स्लोली जो है वो लाइटली मोशन में अपने हाथों को रखते हुए लगाऊँगा. और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लगा लिया मैंने. छोटी सी जो थी कटोरी में बिल्कुल खाली हो चुकी है. अब जो है मैंने अच्छे से इसको देखूंगा कि ये ड्राई हो जाए. मास्क लगा के सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ना कि वो सूखेगा कब ही वेट करना होता है. और अब वेट करना है आपने इसको 10-15 मिनट्स. अब जब तक ये ड्राई नहीं होगा तो मैं देखता रहूँगा कि आगे ड्राई कब होगा, इसकी थिन लेयर है और ये जल्दी ड्राई होगी. और ये लाइट भी थोड़ा सा तंग कर रही है लेकिन खैर. अब आपने देखना है जहाँ जहाँ नहीं लगा आपने उसको अच्छे से अप्लाई करना है. लेकर आपने तो ख्याल रखना है. अच्छा, ये जो है मैं इसलिए इसका स्प्रे कर रहा हूँ ताकि अगर थोड़ा सा जो है इसका टाइम बढ़ जाए. और हाँ, अब क्या करना है क्या करना है, अब इसको सूखने का वेट करना है. और वेट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के रिजल्ट हैं. अभी लाइट सा ड्राई हो रहा है क्योंकि इसकी थिन लेयर थी, थिन लेयर बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और जल्दी ही ड्राई हो जाएगी. अच्छा,
आप लोगों से एक और चीज़ शेयर करूँगा कि मैंने जो आप लोगों से ऑयल शेयर किया था मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गए हैं उससे। और अब हुआ कि ये इसको मैं धो लूँगा, धोना ये है कि मैं यहीं पर जाऊँगा कहीं नहीं, मैं अपने वही स्प्रे से इसको हल्का सा जो है वो वेट करूँगा, वेट कर जिस तरह से आप देख सकते हैं स्प्रे करूँगा। स्प्रे के बाद मैं लाइट से इसको मसाज करूँगा बिल्कुल स्लोली। अभी आप देखें बिल्कुल स्लाइड से, जैसे इस नोज़ एरिया में साइड जहाँ पे आपको ऑयल लग रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ी सी डेड स्किन होगी, वहाँ पे आपने लाइटली स्लोली मोशन में इसको मसाज करना है। लोअर एरिया राउंड आइज़, और ये मेरी वीडियो में जो भी आना चाहता है आ जाता है, खैर कोई बात नहीं। अब हम वहीं से आप देख सकते हैं कि मैं इसी तरह से नोज़ एरिया में जहाँ वाइट ब्लैक मुझे लग रहे हैं, जहाँ पर डेड स्किन लग रही है, वहीं पर सर्कुलर मोशन में मसाज करूँगा इसको। और साथ 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 अब ये है कि अब मैं इसको फिर से कोशिश करूँगा कि ड्राई हो, लेकिन दोबारा से मैं इसको गीला करूँगा ताकि अच्छे से मेरी स्किन से जो है वो रिमूव हो जाए। और अब मैं इसको वॉश ड्राई करता हूँ, लेकिन ड्राई कैसे करूँगा, मैं टॉवल ही लाना भूल गया है। अब आप देखें कि अभी से स्किन पे ग्लो आना शुरू हो गया है, लाइट तो पड़ ही रही है, लेकिन इससे ये होगा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आपके मेरी स्किन जो है वो बहुत नीट फील हो रही है। अभी तो खैर आपको इतना नहीं लग रहा, लेकिन अभी मैं आपको क्लीन करके भी दिखाऊंगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल ही टोटली वॉश कर लिया है, और अब मैं इसको ड्राई करूँगा अपने टॉवल के साथ। आपने बहुत ज़्यादा जो है टॉवल को रगड़ना नहीं है फेस के ऊपर, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, और आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल किया है और स्किन एकदम से ही जो है वो ग्लो आता है। और रोज़ वाटर, तो आई लव दिस रोज़ वाटर। और इस तरह से आपने ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आप देख सकते हैं, आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि स्किन पे जो एक्सेस ऑयल था वो भी अब्जॉर्ब हो गया, लेकिन स्किन ड्राई नहीं हुई है और बिल्कुल इलास्टिसिटी भी स्किन की बरकरार है। इसमें जितनी मैंने चीज़ें डाली हैं उनके बहुत सारे ही बेनिफिट्स हैं। एक आइडिया मुझे और आ रहा है। हेलो एवरीवन, सो मैंने अपना जो है वो फेस मास्क रेडी कर लिया है जो मैं अप्लाई करूँगा। मैंने खुद पे तो किया है, लेकिन हमेशा से आप लोग कहते हैं कि आप खुद पे अप्लाई करते हैं तो किसी ऐसे पर्सन पे करें जिसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा डल हो। तो अभी मैं इस बच्चे पे अप्लाई करूँगा, इसका कॉम्प्लेक्शन आप देख सकते हो थोड़ा सा लाइट है, और आफ्टर मास्क जो है वो कॉम्प्लेक्शन से किस तरह से लगेगा, सो आई विल डेफिनेटली टेल यू आफ्टर द रिजल्ट्स। सो अप्लाई करना शुरू करते हैं इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे इस बच्चे के फेस पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। इसके बच्चे के फेस पे लगाने का मकसद ये था, मैंने सोचा कि आज इस पे भी अप्लाई करके देखूँ कि इसका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डल था, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि फोरी इसके रिजल्ट्स क्या हैं। आप देख सकते हैं जिस फेस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आपने भी उसी तरह से ही अप्लाई करना है। सो नोज़ एरिया, चीक्स एरिया, डोंट फॉरगेट दैट टी जोन एरिया में बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है, तो आपने उसको नहीं भूलना है, आपने अच्छे से अप्लाई करना है। ये होता है कि जो टीनेज होते हैं उनकी स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है, बिकॉज जो है वो ग्रोइंग एज फैक्टर होता है उनका, तो उस ग्रोइंग एज में होते हैं, हाइट भी उनकी निकल रही होती है, तो उसमें जो है उनकी स्किन भी थोड़ा सा डल होना शुरू हो जाती है और वीक भी होना शुरू हो जाते हैं। इसके फोरहेड पे भी लाइट से पिंपल थी, मैं इसके फोरहेड पे भी अप्लाई करूँगा। अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और इसके बालों पर भी लग रहा है। खैर, आप देखेंगे कि इसको प्रॉपर जो है उसके ओवरऑल फेस पे मैं अप्लाई कर दिया है। टीनेज की स्किन पे अप्लाई करके दिखाने का मकसद ये था कि इसमें कोई भी हार्श केमिकल्स मौजूद नहीं है। अब आपने वेट करना है सूखने का। सो अब ये सूखेगा कब? खैर, आपको बता ये रहा था मैं कि इसमें जो मैंने यूज़ किए हैं इंग्रीडियंट सारे नेचुरल हैं, जैसे कि ग्लिसरीन, रोज़ वाटर, जैसे कि मैंने आपको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाया था, इसके फेस पर ही सेम वही प्रोसीजर से मैं अप्लाई करूँगा। इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं बिल्कुल नेचुरल हैं, तो वो टीनेज स्किन के भी बहुत अच्छे रहेंगे, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और इसको मैं दोबारा से शेक कर रहा हूँ, तो अब आप देखेंगे कि मैंने रोज़ वाटर इसकी स्किन पर अप्लाई किया है। और फेस वॉश करने के बाद जो इसकी स्किन पर रिजल्ट्स आए हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसके रोज़ वाटर जो है और ग्लिसरीन में इसके फेस पर ऑब्जर्व कर दिया, आप देख सकते हैं क्या ग्लो है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गया। क्योंकि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रोडक्ट्स। जो भी रेमडीज आपको बताता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं, कोई भी ड्रामेबाजी नहीं होती है। तो आज के फोरहेड्स पर जो छोटे छोटे पिंपल थे वो भी बैठ चुके हैं, जो है एक्सेस ऑयल भी ऑब्जर्व हो गया, किस तरह की स्किन पर ग्लो आ रहा है। सो वी
व्यूअर्स, देखिए आपने मेरी आज की वीडियो, होप आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी बाकी तमाम वीडियोस की तरह। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमजा इब्रार को अपने प्यार दुआओं में, मोहब्बत में याद रखिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उस पर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आऊँगा। सो फ्रेंड्स, आते हुए एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो जा दीजिए, हमजा इब्रार को याद रखिए दुआओं में भरपूर। इसके लिए अल्लाह हाफ़िज़।